हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन, तो हम कॉम्प्रीहेंशन के कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, सिंपल से मैंने पैराग्राफ लिए हैं जो कि स्टेटमेंट वाइज है, मींस हमारे पास स्टेटमेंट से रिलेटेड ही कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो आपके पास पैसेज है, ये छोटे छोटे पैसेज हैं, इनसे सिंपली आपने क्या करना है, अपना टिपिकल क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि टिपिकल क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढते हैं। तो जो पहला पैसेज है, दैट इज इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एडमिनिस्टर्ड प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई इम्बेलेंसेज, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एग्रेवेटेड बाय रुपी डिप्रिशिएशन एंड स्पेकुलेशन हैव कंबाइंड टू कीप हाई इन्फ्लेशन गोइंग। इफ देयर इज एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल ऑफ देम, इट इज दैट मेनी ऑफ देम आर द आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरनेशनल प्राइसेज हैज इंक्रीज विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, द एफर्ट टू रिड्यूस सब्सिडीज हैज रिजल्टेड इन अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज दैट आर एडमिनिस्टर्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, तो उसी के बारे में बात की गई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये बताया गया। अब जो क्वेश्चन है, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशल मैसेज दैट इज इम्प्लाइड इन द अबव पैसेज। देखो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। मीन्स ये क्या पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर सबसे सही जो आंसर है, जो सबसे सही जो मैसेज है, सबसे सही अकॉर्डिंगली टू द पैसेज, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन से ही पता लगाना है कि वो आंसर हो सकता है या फिर नहीं। तो पहला है, अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इंडिया शुड कंप्लीटली अवॉइड ऑल ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑल सब्सिडीज। देखो, यहाँ पर ये जो वर्ड है कंप्लीटली, ठीक है, और इसके बाद ये शो कर रहा है ऑल, ये हमेशा हमें लेकर के चले जाते हैं एक ऐसे पार्ट की तरफ जो एक्सट्रीम डिसीजन शो करते हैं। तो हमें कभी भी एक्सट्रीम आंसर नहीं शो करना, ना ही ये पैसेज में कहीं बताया गया, तो हम इसे चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स पेक्युलर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोसेस। अगर आप देखो तो यहाँ पर है, इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इंटरनेशनल प्राइसेज हैज इंक्रीज विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, मीन्स इंडिया इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो हम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं इंडिया इज नॉट येट रेडी, तो पर्टिकुलर ये हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन इन साइट। अब देखो, नो सॉल्यूशन भी क्या शो कर रहा है, एक्सट्रीम। भाई कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही ना, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, एक्सट्रीम पार्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन क्रिएट ऑफन क्रिएट अ हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी, तो हो सकता है बिल्कुल। भाई तीनों तो गलत हो गए, यही आंसर होगा, अब इसे फाइंड आउट करो कहां से मिलेगा। देखो, ये यहां चेक करो इस लाइन को, इफ देयर इज एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल ऑफ देम, इट इज दैट मेनी ऑफ देम आर द आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहां से मिल जाएगा इजिली, कुछ करना ही नहीं है आपने, सीधा का सीधा यहां से आंसर ढूंढ लेना है, ठीक है, यहां से पता चल गया आर द आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो पॉइंट आपके पास है, सिंपल सी चीजें आपके पास है कि आपने मेन थीम पकड़ना है और रीजन फाइंड आउट कर लेना है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पॉइंट तो यही होता है कि भाई क्वेश्चन का पता नहीं, आंसर ढूंढने निकले हुए हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहले समझो, व्हाट इट इज बीन आस्किंग, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नो राइट इज एब्सोल्यूट, एक्सक्लूसिव और इनवायबल, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी सिमिलरली हैज टू बी परसीव्ड इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इज ऑफ इट्स अज्यूम्ड लेजिटिमेसी, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी शुड यूनाइट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी विद दैट ऑफ इक्वालिटी एंड बोथ विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। सारी चीजें इसने ऐड कर दी भाई, लास्ट लाइन को अगर आप पढ़ोगे, पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है और कॉपरेशन है, तीन चीजें बताई हैं उसने कि भाई ये सारा मिक्स होना चाहिए। अब यहां पर है हमारे पास, इन द लाइट ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट, द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट ड्यूली सपोर्टेड बाय स्टैच्यू एंड स्क्रिप्चर्स, तो ऐसा कहीं पर भी पैसेज में मेंशन नहीं है, तो भूल करके भी चूज मत कर लेना। नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉपर्टी इज अ थेफ्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो, यहां पर जो पैसेज हमारे पास बताया गया, ये सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोई नेगेटिव टोन शो नहीं करता है, तो दैट्स वाई हम इसे चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारी नेगेटिविटी भरी हुई है जो कि यहां पर कहीं पर भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट,
The right of personal property is a violative of distributive justice and negates the principle of cooperation. ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बताया नहीं गया है और ना ही एक्सप्लेन करता है ये पूरे पैसेज को, क्योंकि पैसेज में हम कुछ और कह रहे हैं और स्टेटमेंट कुछ और चुन रहे हैं एक्सप्लेनेटरी, तो वो हम चूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस डिमांड्स दैट द राइट ऑफ ईच पर्सन टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज टू बी रिकनसाइल्ड विद दैट ऑफ अदर्स. अगर आप देखो तो सीधा का सीधा लास्ट लाइन इसने उठाई हुई है और वही आंसर आपके सामने रख दिया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन आप चूज करेंगे. देखो टिपिकल है, पूरे पैसेज को एक स्टेटमेंट में बताना टिपिकल है, लेकिन मोस्टली यहां पर जो चीजें हैं वो सारी मिल गई हैं. अगर आप देखो तो इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है, राइट ऑफ ईच पर्सन टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इक्वालिटी भी आ गया और लिबर्टी भी आ गया, ठीक है, और इसके बाद हैज टू बी रिकनसाइल्ड विद दैट ऑफ अदर्स, मींस इफ इट हैज टू बी रिकनसाइल्ड दैट इट शुड बी कोऑपरेटिव, तो इसीलिए यहां पर ये कोऑपरेशन वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए सिंपल है, पैसेज थर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट इज एज ओल्ड एज स्टेट हिस्ट्री. ऑल्दो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर सेंचुरीज टू ब्रिंग अबाउट अ प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन द कॉम्पिटिंग क्लेम्स ऑफ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, द सोल्यूशन सीम्स टू बी स्टिल फार ऑफ. अगर आप देखो तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत पुराना चला आ रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और सोल्यूशन बहुत दूर है. दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डायनामिक नेचर, मतलब बदलता नेचर है of human society where old values and ideas constantly yield place to new ones, matlab jahan par naye ideas jagah le lete hain purano ki jagah. It is obvious that if individuals are allowed to have absolute freedom of speech and action the result would be chaos, matlab agar aisa ho jaye to result kya hoga, chaos hoga, ruin hoga aur anarchy hoga. To clear ho gaya, samajh aa gaya. Ab yahan par jo part hai hamare paas isme seedha aapko milega the author's viewpoint can be best summed up In which of the following statement? अब ये best summed up क्या है? मतलब किस statement से सारी चीजें क्या हो सकती हैं, mix हो सकती हैं, पूरा passage क्या हो सकता है, एक तरीके से बताया जा सकता है. पहला point है, the claim, the conflict between the claims of state and individual remains unresolved. तो बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम choose करेंगे तो इसकी possibility हो सकती है, answer नहीं हो सकता है. Next, anarchy and chaos are the obvious result of democratic traditions. अगर आप देखो तो यहां पर ऐसा तो नहीं बताया गया था, ये तो बताया गया था इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन, ठीक है, तो हमें ये कोई इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं मिलता तो हम इसे चूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ऑल्ड वैल्यूज आइडियाज एंड ट्रेडिशंस परसिस्ट डिस्पाइट द डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. लेकिन ये तो कह रहा है कि वो तो बदल जाते हैं, नए नए उनकी जगह ले लेते हैं, ये तो बताया था इसने. Where old values and ideas constantly yield place to new ones. तो हम इसे choose नहीं करेंगे. Next, constitutional guarantee of freedom of speech is not in the interest of society. अब ये तो हमारा main theme था ही नहीं. Means हमारा जो पूरा passage है, उसका ये main theme तो है ही नहीं. तो हम इसे choose नहीं कर सकते. बिल्कुल correct ये है, लेकिन ये main theme नहीं है. ये क्या है? Conclusion है कि भाई हम ये क्यों नहीं करना चाहते. Main theme जो है वो ऊपर है. ये देखो, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट इज एज ओल्ड एज स्टेट हिस्ट्री. अब अगर आप देखो तो ये सारे रीजन हैं, ठीक है, क्यों ये सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक ये बताने के. तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ए. ए पार्ट को हम चूज करेंगे और इसी से अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. तो आपने देखा कि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते तो आपको आंसर नहीं मिलता. प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलता है, ठीक है. अगर हमें यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो आंसर क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे आंसर, ठीक है. तो पॉइंट आपके पास है. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम ये भी देख लेते हैं. अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है. बड़ा पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि डायरेक्ट कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, डायरेक्ट कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमें मिल सकती हैं. जैसे यहाँ पर है, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू विद मेजर इंप्लीकेशंस इन टर्म ऑफ Finance. All actions to address climate change untimely ultimately involve costs. मतलब इनमें पैसों की जरूरत पड़ती है. Funding is vital for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. Means ये India के जैसी country के लिए implement करने के लिए adaptation और mitigation plan मतलब जरूरी होती है. Lack of funding is a large impediment. To implementing adaptation plan, मतलब ये obstacle होता है. The scale and magnitude of the financial support required by developing countries to enhance their domestic mitigation and adaptation actions
are a matter of intense debate in the multilateral negotiation under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. The convention squarely puts the responsibility for provision of financial support on the developed countries, taking into account their contribution to the stock of greenhouse gases in the atmosphere. Given the magnitude of the task and the funds required, domestic finance are likely to fall short of the current and projected needs of the developing countries. Global funding through the multilateral mechanism of the convention will enhance their domestic capacity to finance the mitigation effort. So, clear ho gaya? ठीक है, समझ में आ गया भाई, फंडिंग की बात हो रही थी, क्या क्या दिक्कतें चल रही थी वो हमें बताया गया. अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मैटर ऑफ इंटेंस डिबेट इन द मल्टीलेटरल नेगोशिएशन अंडर UNFCCC रिगार्डिंग द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द क्लाइमेट चेंज. अब देखो यहाँ पर है पहला जो पार्ट है, द स्केल एंड साइज ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट. तो बिल्कुल है, बिल्कुल ये पार्ट है हमारा, ठीक है. अब इसके बाद द क्रॉप लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल नहीं है. Next, to enhance and mitigation and adaptation actions in the developing countries. तो ये भी है हमारे पास, ये भी बताया गया है. तो पॉइंट आपके सामने क्लियर है, ठीक है. तो आपने चूज करना वन एंड थ्री ओनली और यही आपका आंसर होगा. तो क्लियर हो गया होगा आपको, पॉइंट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, इन दिस पैसेज द कन्वेंशन पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज पर क्यों डाल देता है. पहला, देयर हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम्स, बिल्कुल नहीं, बताया ही नहीं गया. देयर लार्ज क्वांटम ऑफ जीडीपी, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है. देयर लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टॉक ऑफ सीएचजीज इन द एटमोस्फियर, ठीक है. तो यही पार्ट है हमारे पास, थर्ड ओनली, यही बताया गया था. अगर आप देखो तो यहाँ पर है, द कन्वेंशन स्क्वेयरली पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टेकिंग इनटू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई होप आपको. आपके सामने डायरेक्टली एक ऑप्शन है, वही आपने फाइंड आउट करना है. देखो क्लियरली आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें तब. नेक्स्ट, विद रिगार्ड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू हैव इम्प्लिकेशन ऑन देयर डोमेस्टिक फाइनेंसेस, बिल्कुल सही. कैपेसिटी ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड, तो ये बिल्कुल नहीं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही ये बताया गया. तो पॉइंट क्या है, सिर्फ वन ओनली, वन ओनली आपका आंसर होगा. सीधा ही है, सीधा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा अपना आंसर चूज कर लेना, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं. तो डायरेक्टली ये बताया गया था. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली डिस्कस्ड इन द पैसेज. अब यहां पर जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, किस तरीके से हम चेक करें कि भाई एसेंशियली डिस्कस मतलब मेन थीम था, मेन थीम क्या है वो चेक करो. फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग सपोर्ट फॉर मिटिगेशन, हो सकता है बताया गया है. Next, occurrence of climate change due to excessive exploitation of natural resources by the developed countries. तो particularly ये developed countries के through तो नहीं हुआ, ये developing countries के through भी हुआ है, तो इसलिए हम इस option को नहीं choose करेंगे. Next, lack of political will on the part of all the countries to implement adaptation plan. तो ऐसा कुछ नहीं, ये political word तो कहीं पर भी use नहीं हुआ. Next, governance problems of developing countries as a result of climate change. तो ये भी कहीं नहीं बताता. तो option क्या होगा, one, यही आपने choose करना है, इसके अलावा कोई है ही नहीं पार्ट. भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बताया गया ना, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटेंस डिबेट, यही तो बता रहा था. क्लियर, तो पार्ट क्लियर है, बस आपको समझना है किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे आप उसे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को करेक्टली सॉल्व करेंगे. इंप्लीमेंटेशन यही होनी चाहिए कि यू शुड करेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर लें जो कि पैसेज से मिलते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी. तो हमने 14 मिनट्स में 7 क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चंस में से 4 ऐसे थे जो क्रिटिकल थे. आप 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं हमारे पास, हाँ जी, किस तरीके के आते हैं, बिल्कुल सही, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आते हैं, तो आप क्लियरली कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पैसेजेस के साथ मिलेंगे. तब तक आपका टारगेट है कि आपको 4 से 5 पैसेजेस करने ही करते हैं. चलिए ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच, काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन आर YouTube चैनल. थैंक यू वेरी मच.